बीजेपी जिला प्रवक्ता ऊना विनय शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सीपीएस को हटाए जाने के निर्णय पर हाईकोर्ट का आभार जताया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम भाजपा जिला प्रवक्ता ऊना विनय शर्मा जी से बातचीत करेंगे। विनय जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। विनय जी, हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जो याचिका दायर की थी भाजपा नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, वहां पर कांग्रेस सरकार में, मौजूदा सरकार में 6 सीपीएस जो है वो निरस्त किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व को, खास करके कि ऊना के सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी की शाबाशी है इनको कि जो आर्थिक बोझ इस सरकार ने बिना मतलब के, जिसका कोई कारण नहीं था, जिसका कोई वजह नहीं थी, बिना मतलब के एक आर्थिक बोझ प्रदेश के ऊपर डाल रखा था सीपीएस बनाने का, उसके विरोध में सतपाल सत्ती जी और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपील की थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने कल अपना डिसीजन दिया। डिसीजन में इन 6 के 6 सीपीएस को निरस्त कर दिया है, जो सुखू सरकार के मुंह पे तमाचा है हाई कोर्ट की तरफ से। और हमारी जनता को अभी कुछ आर्थिक बोझ जो इन लोगों ने डाला हुआ था वो भी कुछ अब कम होगा, जिसका प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा आने वाले समय में। जी, तो भाजपा हिमाचल संगठन की आगामी रणनीति क्या रहेगी? निकल कर आ रहा है खबरों के सुर्खियों में, निकल कर आ रहा है कि भाजपा आगामी रणनीति जो बना रही है उनको निरस्त करने की जो रणनीति बना रही है, निष्कासित करने की रणनीति बना रही है, क्या कहेंगे आप? वो भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व का काम है कि वो उन लोगों की क्या रणनीति है। जिस प्रकार से हमें दिशा निर्देश होंगे, हम अपने जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, अपने मंडल स्तर पे वैसा आंदोलन, वैसा काम करेंगे जैसे पार्टी का नेतृत्व हमें दिशा निर्देश देगा। बाकी जो इन्हें निरस्त करने की बात है वो तो निरस्त हो ही जानी चाहिए, तो सरकार ही निरस्त है। इस सरकार से कुछ हो नहीं रहा, प्रदेश की जनता का बुरा हाल है, प्रदेश का मरीज आज बुरी तरीके से बेहाल बैठा है, हिमकेयर योजना खत्म है, सहारा योजना खत्म है, जो योजनाएं जनता के मतलब की थी वो खत्म है। लेकिन ये बिना मतलब के बोझ सीपीएस बना देना, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जिनके पास कोई ऐसी पावर ही नहीं थी कि ठीक है मंत्री बनाए होते तो बात तो थी, लेकिन एक तरफ प्रदेश में आर्थिक बोझ का रोना रोती है सरकार और दूसरी तरफ अपनी मौज पूरी कर रही है, सीपीएस बनाए हैं। अभी एक इन्हें और झटका लगेगा, इन्होंने चेयरमैन बोर्ड्स के जो चेयरमैन है जिनकी सैलरी पिछले सरकारों में 30,000-40,000 थी, उन्हें 1.5-1.5 लाख कर दिया सिर्फ अपने मित्रों को खुश करने के लिए। जी, तो विनय जी, वर्ष 2012 से लेकर 17 तक भी धूमल सरकार में भाजपा सरकार द्वारा 3 जो सीपीएस बनाए गए थे, तो उस समय भाजपा सरकार थी, तब भाजपा ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? भारतीय जनता पार्टी के समय में भी 3 सीपीएस रहे, पावर में रहे, स्पोर्ट्स में रहे, लेकिन उससे पहले वीरभद्र सरकार ने ये नीति शुरू की थी। वीरभद्र सरकार में 12 सीपीएस, आप कल्पना कीजिए जितने मंत्री उतनी ही फौज सीपीएस की उस सरकार में बिना मतलब के खड़ा दी गई थी। उन 12 सीपीएस का विरोध भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ऐसी परिस्थिति बनी कि सीपीएस ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पे आर्थिक बोझ ना पड़े, प्रदेश पे ज्यादा जनता को समस्या ना आए, प्रदेश का पैसा प्रदेश की जनता में लगे, तो सीपीएस तैयार किए। लेकिन जिस प्रकार से आज कैबिनेट स्तर की सहूलियत सीपीएस को दी जा रही है, या वीरभद्र जी के समय में सीपीएस को कैबिनेट स्तर की सहूलियत दी जाती थी, वैसे धूमल सरकार में उतनी सहूलियत सीपीएस को नहीं दी गई थी, क्योंकि जनता के काम के लिए सीपीएस बनाए गए थे, ना कि आराम के लिए। धन्यवाद। तो जी, हमारे साथ भाजपा जिला प्रवक्ता ऊना से विनय शर्मा जी जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़। जीवन शर्मा।